तो हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने एनिमी को कैसे कंफ्यूज कर सकते हो, जिससे कि उसको आपकी मूवमेंट का और आपकी नेक्स्ट मूव का बिल्कुल भी अंदाज़ा ना लगे और आप उस राउंड को बड़े ही आराम से विन कर पाओ। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, छोटी सी वीडियो होने वाली है। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो एनिमी को कन्फ्यूज करने के लिए काफ़ी सारी फेक ट्रिक्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि जिगजैग मूवमेंट हो गया, पीला पाटो वाली क्रॉश मूवमेंट हो गया, पर इन दोनों को साइड में रखते हैं। आज मैं आपको एक नई ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ। इसका आपको पहले से भी पता होगा, पर इसको कैसे यूज करना है एनिमी को कंफ्यूज करने के लिए, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। जो आप सामने बंदा देख रहे हो वो एक पीसी प्लेयर, और मैंने इस मूवमेंट के साथ पीसी प्लेयर को भी कंफ्यूज कर दिया था, और एंड में जी इतना कंफ्यूज हो गया था कि इसको मेरी मूवमेंट का और लोकेशन का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था, जिससे कि मेरे सामने जे एकदम से आ गया और मैंने इसको वन टैप हेडशॉट चिपका दिया। इस ट्रिक का यूज आपने तब करना है जब आपका एनिमी मिड रेंज में होगा, मतलब कि आपसे थोड़ा सा दूर होगा, आपने सीधा उसकी तरफ ग्लूवर्स फायर करनी है। वो सोचेगा कि इसने यहां का रास्ता बंद कर दिया तो ये पक्का लेफ्ट साइड से आएगा, तो आपने ऐसा नहीं करना है। आपने फटाफट अपनी ग्लूवर्स पीछे को फायर कर देनी है और उसके बाद सीधा सामने से ग्लूवॉल के बीचों बीच आपने आगे जाना है, और अगर आपका एनमी बाहर होगा तो आपने उसे वन टैप हेडशॉट मार देना है, और अगर उसे वन टैप हेडशॉट ना लगे जब आपका एनमी कवर में ही है तब आपने ग्लूवॉल का कवर ले लेना है, और उसके बाद फिर से आपने इसी ट्रिक का यूज करना है। इस मूवमेंट को आप अलग अलग सिचुएशन में अपने हिसाब से कर सकते हो, अलग अलग तरीके से। अगर आप एक बार इस मूवमेंट को यूज करना सीख जाते हो तब भाई आपको कस्टम में कोई भी नहीं हरा पाएगा, क्योंकि आप इस ट्रिक का यूज करके एनिमी को इतना ज्यादा कंफ्यूज कर दोगे कि वो आपकी मूवमेंट को ही नहीं पकड़ पाएगा और वो कोई ना कोई गलती करेगा, और आप अगर आपकी एक्यूरेसी सही होगी तब आप उसे उसी टाइम में वन टैप हेडशॉट चिपका दोगे। तो इस ट्रिक का यूज करके मैंने पीसी प्लेयर को इतना ज्यादा कंफ्यूज कर दिया था कि वो मेरी मूवमेंट को बिल्कुल भी पकड़ नहीं पा रहा था। तो एट द एंड उसने क्या किया कि मैं बिल्कुल फास्ट कह रहा था और वो थोड़ा सा स्लो हो गया और ग्लू वॉल के बाहर आया जॉयस्टिक का यूज करके देखने के लिए कि मैं कहाँ पे हूँ, पर भाई ये बहुत ज्यादा टाइम ले लिया उसने। तो यहाँ पे मुझे उसका हेड दिखाई दे रहा था, मैंने रोटेशन रह करके उसे वन टैप हेडशॉट चिपका दिया और ये राउंड मैं बड़े आराम से जीत गया। तो स्टिक के साथ आप किसी भी एनिमी को बड़े ही आराम से कंफ्यूज कर सकते हो, चाहे वो पीसी प्लेयर हो या मोबाइल प्लेयर हो, कितना भी फास्ट खेलता हो, अगर आप इसको परफेक्टली यूज करना सीख जाते हो तो आप किसी भी प्लेयर को बड़े आराम से कंफ्यूज कर सकते हो। और बाकी डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आपकी स्किल्स के ऊपर। अगर आपके पास अच्छे स्किल्स होंगे तो आप किसी भी एनिमी को इस मूवमेंट के साथ बीट कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप अपने गेम प्ले को इम्प्रूव करना चाहते हो तब। तो बाय बाय गाइज, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।